सपने में दूध पिलाना या फिर पीते हुए देखना, या फिर सपने में मिल्क खुद को पीते हुए देखना, या फिर बच्चे को पिलाना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बताऊंगा बिल्कुल मतलब कि क्या मतलब है सपने में दूध पिलाना या दूध पीना या पीते हुए देखना किसी को। तो सपने में दूध का देखना काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपने देखा है कि सपने में दूध ताज़ा है बिल्कुल और मीठा भी है, तो उसका मतलब है कि आपको जो है रोज़ी मिल सकती है। और अगर देखें कि ताज़ा दूध पिया है, तो उसका मतलब है उसी कदर जितना ताज़ा दूध पिया है उतना ही माल उसको हलाल पाएगा। और अगर औरत देखे कि दूध उसकी पिस्तान में जमा हो गया है, तो उसका मतलब है उसके यहाँ लड़का होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं जादू टोना सॉल्यूशन और ख्वाब की तावीर यानी कि सपने की जानकारी और हिकमत से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर मर्द देखे दूध निकालता है और उसकी ओज खून आता है, यानी कि दूध निकालता है लेकिन खून निकलता है, तो उसका मतलब है माल हराम पाएगा। और अगर देखे कि अपने पिस्तान से दूध पीता है कोई, अगर अपने पिस्तान से, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, तो उसका मतलब है नुकसान होगा माश में, यानी कि जिस्म में नुकसान होगा। और अगर कोई मर्द देखे कि बच्चा हो गया है और दूध पीता है, मर्द देखे कि बच्चा हो गया है और दूध पीता है, तो उसका मतलब है उसकी मुराद पूरी ना होगी। और अगर औरत देखे कि बच्चे को दूध देती है, तो उसका मतलब है बादशाह से माल पाएगी। और अगर औरत देखे कि बच्चे को दूध से हटाकर फिर दूध देती है, तो नुकसान पर दलील है, यानी कि कोई नुकसान उठाएगी। तो सपने में दूध पीते हुए देखना या पिलाना अच्छा है, लेकिन बच्चे को दूध पिलाना ये नुकसान की दलील है, सपने में बच्चे को दूध पिलाना। और अगर देखे कि जंगली चौपाई का दूध थोड़ा माल है, अगर किसी जानवर का दूध देखें आप, जैसे भाई भैंस वगैरह का दूध हो गया और जंगली जानवरों का दूध हो गया कोई भी, तो ठीक है, देखना आपको माल प्राप्त हो सकता है। और अगर सपने में देखे कि गौर खर का दूध पीता है, तो खूबी और सलाहियत पर दलील है। और अगर देखे कि ऊँटनी का दूध पीता है, तो उसका मतलब है किसी सरदार से माल पाएगा। और अगर देखे कि हिरनी का दूध पीता है, तो रोज़ी उस पर फराकी होगी, यानी कि उसको रोज़ी मिलेगी। और अगर देखे कि बकरी का दूध पीता है, तो उसका मतलब है औरत से माल और फ़ायदा उठाएगा। और अगर देखे कि भैंस का दूध पीता है, तो उसका मतलब है माल पाएगा। और अगर देखे कि गधी का दूध पीता है, तो उसका मतलब है बीमार होगा और फिर ठीक हो जाएगा। और अगर देखे कि खरगोश का दूध पीता है सपने में, तो उसका मतलब है औरत से फ़ायदा पाएगा। और अगर देखे कि मादा खिंजीर का दूध पीता है, तो उसका मतलब है अहमक और बेवकूफ़ होगा। और अगर देखे कि लोमड़ी का दूध पीता है, तो उसका मतलब है किसी से मकर और हीरा करेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। और अगर देखे भेड़िए का दूध पीता है, तो उसका मतलब है उसका आयाल उसके साथ खयानत करेगा, यानी कि घर में से कोई उसके साथ में खयानत करेगा, जिस तरह कह दें कि भाई पैसों में धोखाधड़ी करना। और अगर देखे कि बकरी का दूध पीता है, तो दलील है माल हलाल हासिल करेगा, यानी कि हलाल दौलत हासिल करेगा। तो सपने में मिल्क का देखना ठीक भी है कुछ हद तक के, लेकिन जो जानवर अच्छे हैं, यानी कि जो जानवर जैसे गायें भैंस वगैरह, इनका दूध पीना सपने में अच्छा है। और औरत का दूध अगर बच्चा पीता है सपने में, तो उसका नुकसान है। हज़रत जाबिर मगरबी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि ऐसे में जानवरों का दूध निकालना कि जिसका गोश्त हलाल है माल हलाल है, और जिसका गोश्त हराम है उसका दूध गम परेशानी पर दलील है। हज़रत जाफर सादिक लिखते हैं कि सपने में दूध तीन वजह है सपने में देखना, रोज़ी हलाल, माल फर्जंद और गम परेशानी। तो सपने में दूध देखना अच्छा है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि सपने में दूध पिलाना बच्चे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, दिक्कत परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें।